हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया स्पेशल फिल्टर कॉफी। आज हम कॉफी डिकॉक्शन कैसे बनाते हैं और फिल्टर कॉफी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि 1670 एडी में बाबा बुदान इंडिया में पहली बार 7 कॉफी सीड्स लाए थे और चिकमंगलूर कर्नाटका में इसका प्लांटेशन शुरू हुआ था। तो थैंक्स टू बाबा बुदान जिनके कारण आप और हम आज कॉफी इंजॉय कर रहे हैं। साउथ में इस तरह का कॉफ़ी प्रेसर काफ़ी पॉपुलर है। ये हर घर में डेली यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें दो चेंबर्स होते हैं, पहला जिसमें हम कॉफ़ी पाउडर डालते हैं और दूसरा जिसमें कि डिकॉक्शन आके कलेक्ट होता है। इस तरह का एक छोटा सा लिड होता है और उसमें होता है इस तरह का एक कॉफ़ी प्रेसर, मतलब इससे हम कॉफ़ी पाउडर को प्रेस करते हैं। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें हम कॉफ़ी पाउडर फिल करते हैं और इसमें इस कॉफ़ी प्रेसर की हेल्प से इसे प्रेस करते हैं। गर्म पानी डालने से इसके छोटे छोटे पोर्स में से कॉफ़ी डिकॉक्शन नीचे वाले चेंबर में जाके कलेक्ट हो जाता है। तो ये थी बहुत ही बेसिक सी इंट्रोडक्शन इस कॉफ़ी फिल्टर की। चलिए अब कॉफ़ी की बात की जाए तो हमने ली है फिल्टर कॉफ़ी पाउडर। ये इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर से अलग होता है और टेक्सचर की बात की जाए तो ये रफ़ टेक्सचर की होती है। देखिए कितना रफ़ टेक्सचर है इसका, बिल्कुल दानेदार। कॉफ़ी बीन्स को पहले रोस्ट करते हैं और फिर इसका पाउडर बनाते हैं। साउथ स्पेशल कॉफ़ी में रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स के साथ चिकोरी प्लांट की रूट्स भी ऐड की जाती हैं। इसी से वो अलग फ्लेवर और अरोमा आता है। कॉफ़ी और चिकोरी का रेशो 80-20 हो सकता है या फिर 70-30% भी आप इन दोनों का रेशो ले सकते हैं। पहले जब नई नई कॉफ़ी हमारे यहाँ आई थी तो प्रोडक्शन भी लिमिटेड था, तो इसे बैलेंस आउट करने के लिए चिकोरी ऐड किया गया और इसका स्वाद सभी को इतना अच्छा लगा कि एक ट्रेडिशन बन गया और कॉफ़ी को एक अपना साउथ का टेस्ट मिला। मार्केट में इस तरह के काफ़ी इजी अवेलेबल ऑप्शन हैं, आप इन अवेलेबल ऑप्शन में से कोई भी चूज़ कर ले। कुछ सजेस्टेड प्रोडक्ट्स का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले लिड हटा के और प्रेशर को साइड में रख लेंगे और नीचे वाले कंपार्टमेंट के ऊपर इस होल वाले पार्ट को रख लेंगे। अब कॉफ़ी प्रिपेयर करने के भी बहुत सारे मेथड है, जो हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल थोड़ी सी, यानी कि 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी चीनी हम इसमें डाल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहें तो इसे ना डालें। शुगर डालने से ये कैरमलाइज होती है और बहुत ही बढ़िया कलर के साथ बहुत बढ़िया फ्लेवर्स भी ऐड करती है। अब इसमें हम 2 टीस्पून फिल्टर कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे और फिर से इसमें कुछ शुगर के दाने स्प्रिंकल कर लेंगे। बहुत ही थोड़ी सी शुगर हमने ऐड की है, शुगर टोटली ऑप्शनल है। लेयर्स में शुगर ऐड करने से इसका कैरमलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। और फिर से इसमें हम 2-3 स्पून फिल्टर कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। बस अब हमें जो कॉफ़ी प्रेसर है इसे इससे 2-3 बार लाइटली प्रेस करना है, जिससे कि ये कॉफ़ी हल्की सी सेट हो जाए। बेसिकली हमें बड़े पोर्स को बंद करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना है, नहीं तो सारे होल्स क्लोज हो जाएंगे और कॉफ़ी में से वाटर ड्रिप नहीं हो पाएगा। तो इसे इस तरह से कुछ हमें प्रेस करना है, 1 times, देखिए 2 times और 3 times। बस कॉफ़ी प्रेस हो गई है। अब कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि इस प्रेशर को हटा के हॉट वाटर डालें और कुछ इसे इसी तरह से रखते हुए हॉट वाटर इस पर डालते हैं। आप कोई भी मेथड इसमें से यूज़ ले सकते हैं। हम यहाँ पर कॉफ़ी प्रेशर रख के ही इसे बना रहे हैं। चलिए पानी गर्म कर लेते हैं। पानी को अच्छा बॉइलिंग पॉइंट आने तक गर्म करना है। पानी रेडी है, इसे आप नीचे वाली तरफ से होल्ड करें क्योंकि जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे ऊपर वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे से हम करीब 1/2 कप पानी इसमें पोर कर लेते हैं। ये काफ़ी गर्म है, बस इसे अब हम लिड लगा के 20 मिनट के लिए इसी तरह से रख देते हैं। पानी के गर्म होने से ये हल्के हल्के से ब्रू होगी, धीरे धीरे पानी कॉफ़ी से ड्रिप होगा और नीचे वाले कंपार्टमेंट में डिकॉक्शन कलेक्ट होगा और सारे फ्लेवर्स के साथ हमें बहुत ही अच्छा डिकॉक्शन मिलेगा। अगर आपके पास ये बेसिक कॉफ़ी मेकर नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 glass का बोल और चाय छानने की छलनी और साथ ही मसलिन क्लॉथ, बस इतना ही चाहिए। क्लॉथ को इस तरह से हम छलनी पर रख देते हैं और इसमें हम कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। 2-3 चम्मच, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। और इसे इस तरह से स्पून से हल्का सा प्रेस कर लेते हैं जिससे कि होल्स
जो है वो क्लोज हो जाए और छोटी छोटी पोर्स जो है वो रह जाए, जिससे कि पानी इसमें से बहुत अच्छे से सीप हो। और इस पर हम अच्छा गर्म पानी धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। सारा पानी हम एक बार में ऐड नहीं करेंगे। देखिए, पानी ऐड करते ही इस तरह से हमारा फर्स्ट डिकॉक्शन हमें मिलेगा। सेकेंड टाइम पर हम फिर से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस बार इसमें डिकॉक्शन धीरे धीरे जाएगा। इसे इस तरह से एक कटोरी से कवर कर लेते हैं और 10 मिनट रेस्ट होने देंगे। देखिए कितना बढ़िया डिकॉक्शन हमें मिला है। तो आप इन दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे डिकॉक्शन बना सकते हैं। आप इस डिकॉक्शन को 2 से 3 दिन तक इजीली रेफ्रिजरेट करके यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसे रोज़ रात में या अर्ली मॉर्निंग में प्रिपेयर किया जाता है और आफ्टर फूड कंज्यूम किया जाता है। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं और कॉफ़ी के लिए दूध गर्म कर लेते हैं। हमने यहाँ पर नॉर्मल दूध लिया है। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर लें और दूध को अच्छा बॉयल होने देते हैं। तब तक हम कॉफ़ी का डिकॉक्शन रेडी हो गया है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इसका ऊपर का सेक्शन देखेंगे तो पानी अच्छे से कॉफ़ी से सीप हुआ है और डिकॉक्शन बेस सेक्शन में कलेक्ट हो गया है। बहुत अच्छा और हल्का सा थिक डिकॉक्शन हमें मिला है। बस इस डिकॉक्शन को आप हॉट या कोल्ड कॉफ़ी में यूज़ ले सकते हैं। अब बारी है हमारी डबरा और ग्लास की। साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी की बात करें तो ये बिना इस सर्विंग कटोरी के अधूरी है। इस तरह की डबरा यानी कि छोटी सी कटोरी और इस तरह की छोटी सी शॉट ग्लास में से सर्व किया जाता है। फिल्टर कॉफ़ी को ब्रेकफास्ट या किसी भी मील के बाद में आप ले सकते हैं। चलिए इसमें हम थोड़ा सा डिकॉक्शन ऐड कर लेते हैं। आप डिकॉक्शन का अमाउंट जितनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग ऐड करें। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और हल्का सा ये थिक डिकॉक्शन हमें मिला है। शुगर का बहुत ही अच्छा कैरमलाइज कलर हमें यहाँ पर मिला है। दूध भी गर्म हो गया है तो कॉफ़ी में अब हम मिल्क इस तरह से थोड़ी सी ऊंचाई से ऐड करते हैं। ये मिल्क में हल्की सी फ्रॉदीनेस लाएगा। अगर आप भी हमारी और बाबा बुदान की तरह कॉफ़ी फ़ैन हैं तो एक बार ये कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करें। हल्का सा डिकॉक्शन ऊपर से पोर कर लेंगे और हमारी फिल्टर कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।